दुनिया के करीब 30 देशों में आपको पता है सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ जैसी योजना चल रही है, 30 कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ नया अजूबा ढूंढ दिया है, और बड़े बड़े सुपर पावर ऐसी अग्निपथ जैसी योजना चला रहे हैं जिसमें 4 साल या इससे भी कम समय के लिए सैनिकों की भर्ती होती है। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। यहां सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होती है, इसके बाद 4 साल के लिए रिजर्व ड्यूटी होती है। किसी युद्ध या इमरजेंसी की स्थिति में इन्हें ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। अगर अमेरिकी सैनिक 20 साल तक सेना में ड्यूटी करते हैं तो उन्हें पेंशन मिलती है। 20 साल से कम ड्यूटी पर सिर्फ भत्ता दिया जाता है। अमेरिका के बाद रूस के पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है। यहां 18 से 27 साल के हर नागरिक के लिए आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य है। सैनिकों को 8 महीने से 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बाद बेस्ट सैनिकों को यूनिट में भेज दिया जाता है। जो बच जाते हैं वो ट्रेनिंग खत्म के बाद सेना के बाहर दूसरे काम कर सकते हैं। युद्ध की स्थिति में ऐसे ट्रेन्ड सैनिकों को आर्मी यूनिट्स ड्यूटी पर बुला सकती है। भारत के पड़ोसी देश चीन, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन ने 2035 तक सेना के मॉडर्नाइजेशन का लक्ष्य रखा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में चीन ने सैनिकों की भर्ती से ज्यादा मॉडर्नाइजेशन पर काम किया। चीन की सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ जैसी योजना है। चीन की थल सेना में सैनिकों की भर्ती 3 साल के लिए होती है, नौसेना और वायुसेना में यह 4 साल की होती है। सैनिक ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक सेना में सक्रिय सेवा दे सकते हैं। यूरोप में फ्रांस के पास सबसे ज्यादा सैनिक है। यहां सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। सैनिक और आर्मी के बीच पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रांस की आर्मी में कम से कम 19 साल सेवा देने वाले को ही पेंशन मिलती है। इजराइल एक और पावरफुल कंट्री, वहां आर्मी को दुनिया की सबसे स्मार्ट मिलिट्री यूनिट माना जाता है। यहां के हर नागरिक के लिए आर्मी में भर्ती होना अनिवार्य है। 1948 में इजराइल के आजाद होने के बाद से ही यह नियम लागू हो चुका है। पुरुषों को 3 साल और महिलाओं को 2 साल सेना में ड्यूटी करनी ही पड़ती है। 3 साल और 2 साल की ड्यूटी करने के बाद करीब 10% सैनिकों का यूनिट्स में सिलेक्शन होता है, मात्र 10%। जो सैनिक आगे के लिए सिलेक्ट होते हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 12 साल तक इजरायली सेना में काम करने वालों को पेंशन भी दी जाती है। यानी दुनिया में यही कुछ चल रहा है, ऐसी ही अग्निपथ जैसी स्कीम चल रही है जो भारत में चल रही है। लेकिन भारत में जिस तरीके का विरोध हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। अग्निपथ को लेकर जो जानकारियां हैं वो आपको लगातार दे रहा हूं। उसके बाद भी कोई चिंता है, कोई वजह बचती है, हमसे संपर्क कीजिए, हम मुद्दा उठाएंगे। नहीं रहे सरकार से सीधे बात कीजिए, नहीं है कोर्ट चले जाइए। लेकिन जो लोग इस देश में आग लगाना चाहते हैं, आग लगाने मरने मारने के लिए आपको भड़का रहे हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो आपके छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर देश पर चला रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। सैनिक आग नहीं लगाता, सैनिक आग बुझाता है, ये याद रखिए।